साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आपका दोस्त मुकेश नागर आपके सामने फिर एक बार हाजिर है। साथियों आज बहुत जबरदस्त बात करने के लिए मैं आया हूं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और आपके दोस्त का आप मोटिवेशन बढ़ाइए, आप अपने दोस्त को प्रोत्साहित कीजिए साथियों, अगर आपको ये बात बिल्कुल सत्य लगती है तो। साथियों मैं आपको ये बताने वाला हूं, आप खुद मानोगे इस चीज को, जो प्रश्न है वो डिलीट होने के बाद SST की क्या रह सकती है कठोर। साथियों मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, 100% आपको ये बता रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहेगी SST की। अगर जो 7 से 8 क्वेश्चन जो उसमें माने गए गलत, अगर वो क्वेश्चन गलत होते हैं और वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं साथियों, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं, मैं कभी ऐसे बात नहीं करता। लेकिन साथियों यहां पर ये जो अनुमानित में कट ऑफ जो आपको बता रहा हूं कि ये रहने के पूरे पूरे चांसेज हैं, तो आप विश्वास मानिए यही कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेज रहेंगे साथियों। इसमें भी साथियों मैं आपको बता दूं SST के अंदर इसमें -3 क्वेश्चन और भी आप लेकर के चलिए, ये वादा है और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, और ये मान के चलिए क्योंकि SST के साथ हिंदी वाले भी हैं, SST के साथ संस्कृत वाले भी हैं, SST के साथ इंग्लिश वाले भी हैं, तो ये चीजें हैं साथियों। अगर उनका हिंदी में अच्छा पेपर गया है तो वो हिंदी में चले जाएंगे SST में, तो इस तरह से भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आता है और फर्स्ट ग्रेड की पोस्टिंग पहले होती है, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आता है, सेकंड ग्रेड की पोस्टिंग पहले होती है, तो इसके से ज्यादा कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। जिस भी भाई की ये अगर क्वेश्चन इतने इतने राइट हो रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, तो 100% उसका सिलेक्शन होगा, ये मैं दावा करता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर Level 2 में अपन जो SST की कट ऑफ है आंसर की आने के बाद में, अगर वो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं तो यही कट ऑफ रहेगी। इतने क्वेश्चन जिस भी भाई के या बहन के बन रहे हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि यहां पर फीमेल के तो इससे 3 क्वेश्चन और भी कम जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी किसी भी फीमेल के यहां पर बन रहे हैं कम, तो उसका भी सिलेक्शन होगा 100%, आप देख लेना। बरसते यही होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आए और उनकी पोस्टिंग भी पहले दी जाए, तो ये मुहिम हम लोगों को छेड़नी है कि पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आए, फिर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आए और उनकी पोस्टिंग पहले दी जाए, और फिर थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आए और उसके बाद में पोस्टिंग दी जाए। और एक बंदे को जिसका जहां सिलेक्शन हुआ है उसके बाद में अगर जैसे वो हिंदी के अंदर चला गया तो फिर सेकंड में यहां पर उसकी वैकेंट सीट जो रहेगी, अगर उसका सिलेक्शन यहां पर भी होता है तो दूसरे बंदे को यहां पर लिया जाए, ये होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस होता है साथियों तो मैं दिल से बता रहा हूं इससे ज्यादा कभी भी जाने वाले नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं आप लोगों से, देख लेना। मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूं, कभी ऐसे नहीं बोलता, हवा में तुक्के नहीं मारता हूं, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। और साथियों आपको पता है यहां पर मैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, DSSB, केंद्रीय विद्यालय, TGT, PGT सभी के लिए, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, हिंदी साहित्य की ग्रामर आती है, हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र आता है, कुछ भी आए हिंदी साहित्य से रिलेटेड, वो मैं इस चैनल पर कराने वाला हूं आपको पूरा 100%। अभी इस चैनल पर जो है ग्रामर और हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीटली चल रहा है, आप खुद वीडियो देखिए और मजे से आप नोट्स बनाइए, आपको मैं इस छोटे से बोर्ड पर आपको वो कंटेंट देके जाऊंगा कि आप याद करोगे कि यार बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े जो है टीवी पैनल वाले भी फेल है, यार बंदा बहुत जबरदस्त नोट्स लिखाता है, ये आप खुद कहोगे मेरे से, आप देख लेना एक बार खोल करके नोट्स देख लेना वहां पर मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपसे वादा है साथियों। जनरल की मैंने बताई है 100 से 103 क्वेश्चन जिसके भी राइट हैं, मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर अगर 95 से 100 तक भी राइट है ना उसका भी सिलेक्शन होगा, बस बरसते रिजल्ट पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आ जाए, आप देख लेना। OBC के 95 से 100 क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन होगा 101%। EWS में 90 से 95, वैसे भी मैं आपको बता दूं ये मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, आप -3-5 क्वेश्चन माइनस करके चलिए इसमें, देख लेना आप लोग, आप भी यही हूं और मैं भी यही हूं, आप खुद कहोगे करे यार सर वाकई में आपने बताए थे, और इसी के इर्द गिर्द परसेंटेज रही है। देखो ऐसा तो नहीं है कि अब यही रहेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी इसके आसपास रहेगी, ये आप देख लेना, इतने इसके आसपास जिसके क्वेश्चन राइट है उसका सिलेक्शन होगा, ये प्रॉमिस है, ये वादा है, ये दिल खोल के मैं बात कर रहा हूं।
ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 90 से 95 क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन है। मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एमबीसी में 85 से 90 क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन है। एससी में 80 से 85 क्वेश्चन जिसके राइट है। एसएसटी के अंदर लेवल 2 रीट में जिसके क्वेश्चन राइट है ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित रहो, निश्चित निश्चित निश्चित। एसटी के अंदर जो है 75 से 80 क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो रही हमारी लेवल 2 की एसएसटी की कट ऑफ, आंसर की आने के बाद में क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में स्थिति ये बनने वाली है, इससे भी -3 क्वेश्चन ही बनेंगे, आप देख लेना खुद यहाँ पर। बात यह है, अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात आ जाती है फीमेल की। अब फीमेल वाले क्या करें, इसमें से 5 क्वेश्चन माइनस करके चले, 5 क्वेश्चन माइनस अगर इसमें से करके आप चलते हो तो 5 क्वेश्चन माइनस अगर आपने इसमें से किए वहां पर आप निकाल लेना कि हमारी इतनी जाने वाली है। साथ ही एक बात यहां पर यह बनती है इंपोर्टेंट बात कि अब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी वापस से फिर आने वाली है। अगर आपने एमए बीएड किया हुआ है तो आप फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जरूर चूज कीजिए और उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त कीजिए, इतनी भयंकर तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। इतनी 8000 पोस्ट आने वाली है साथियों, कितनी 8000 पदों की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 8000 पदों की। सेकंड ग्रेड की लगभग 6000 पदों की वैकेंसी आने वाली है सेकंड ग्रेड की। थर्ड ग्रेड में आपको बता दो 21000 पद आएंगे थर्ड ग्रेड के अंदर, जो उन्होंने 12000 पद बता रखे ना वो 21000 पदों पर आप देख लेना, ये वादा है आपसे। इसके बाद में पुलिस विभाग में 5000 पदों पर वैकेंसी आ रही है, जो भी स्टूडेंट पुलिस विभाग के जाने के लायक हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे, जल्दी से अप्रैल और मई के अंदर इन सभी के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर में इन सबके एग्जाम हो जाएंगे, अगर आचार संहिता लग गए पहले वैकेंसी आ गई तो एग्जाम कराया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में डीएसएसबी की वैकेंसी अभी चली रही है, आपको पता है डीएसएसबी में 21000 के आसपास वैकेंसी, 21250 यहां पर वैकेंसी है। देखो आप इतनी जबरदस्त वैकेंसी है भयंकर तरीके से। और केवीएस की बात तो अभी केवीएस के तो इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं, अभी इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, करीबन ये मान के चलिए 2000 वैकेंसी के आसपास इसकी आने वाली है। एलडीसी की 5000 वैकेंसी यहां पर आएगी, तो ये सारी वैकेंसीज अभी दौड़ में है, आप निराश होने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये दौड़ में वैकेंसी है और आप इनकी तैयारी शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपने संघर्ष किया है, आपने मेहनत करी है, आपने पूरी दम लगाई है, तो आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरे 110 115 120 है कहने से हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता है भाई। अब जब वहां जो पेपर देता है ना उसको पता होता है कि कैसे क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसे क्वेश्चन गलत होते हैं। अरे वो क्वेश्चन जो पेपर आता है ना वो मोस्टले मतलब ऐसे बढ़ा देता है कि इतने क्वेश्चन करूं, अरे इतने क्वेश्चन, अरे मेरे को तो आ रहा है, वो आ रहा है, जब घर पे आके मिलाता है ना तो इतने माइनस हो गए। अरे वो मीठा जहर जो है ना वो खा जाता है और उस मीठे जहर के चक्कर में हम मर जाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। इसलिए साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, आपने मेहनत करी है, आपने संघर्ष किया है और अपने संघर्ष और मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। दिल से मैं दुआ देता हूं आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन होगा, आपके इसके आसपास अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है, कोई भी रोक नहीं सकता साथियों। साथियों यहां पर मैं आपको हिंदी साहित्य से संबंधित पूरी चीजें मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित, और यहां पर राजस्थान की जीके भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप निश्चित रहिए। साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।